आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके Realme फ़ोन में मैसेज नहीं आ रहा है, मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आएगा नीचे ये ऐप्स, तो ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर ऐप मैनेजमेंट आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब ऐप मैनेजमेंट ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर आएगा मैसेजेस या फिर आपके मोबाइल का मैसेंजिंग ऐप, तो यहाँ पे ये मैसेजेस नाम से आएगा, तो मैसेजेस पे क्लिक करिए। अब उसके बाद ये फोर्स स्टॉप आएगा, तो इस पे क्लिक करिए, नीचे फोर्स स्टॉप करिए। उसके बाद आएगा नीचे इसके स्टोरेज यूसेज, तो इस पे क्लिक करिए। अब ये क्लियर कैशे पे क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर आएगा क्लियर डेटा, तो क्लियर डेटा पे क्लिक करिए। अब ये डिलीट आएगा या फिर ओके आएगा, तो इस पर क्लिक करिए। तो ये करने से आपके फ़ोन का कोई डेटा या फिर आपके फ़ोन से कोई मैसेज डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आइए और सेटिंग्स में ऊपर आइए। ऊपर आकर आपको मिलेगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क या फिर बस मोबाइल नेटवर्क, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद सिम वन आएगा, सिम टू आएगा, तो जिस सिम में आपका मैसेज नहीं आ रहा है उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम वन पे। उसके बाद ऊपर ये इनेबल आएगा, तो यहाँ पे अगर आपका ये बंद है तो यहाँ पे आप इसे ऑन करिए। और ऑन करने के बाद नीचे आएगा ये ऑपरेटर, तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर आएगा इस पर क्लिक करिए। ऊपर ऑटो सेलेक्ट आएगा, इसे बंद करिए, नीचे ऑफ़ करिए, फिर से ऑफ़ करिए। अब ये सर्चिंग लेगा, तो कुछ सेकेंड वेट करिए। अब जब आपका ये सिम कार्ड अपने आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा, उसके बाद ऑटो सेलेक्ट ऑन करिए और यहाँ पे बैक आ जाइए। अब अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करिए और ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब चेक करिए आपके रियलमी फ़ोन में मैसेज आ रहा है। तो अब आपके फ़ोन में मैसेज रिसीव हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।